हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं प्रीति श्रीवास्तव स्टाइल मुंबई चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बाजरे की लड्डू की रेसिपी बिल्कुल आसान विधि से बनाऊंगी। बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा और आप इसको घर पे आसानी से बना सकते हैं। बाजरे का लड्डू विंटर में ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स, इससे आपके शरीर में गर्माहट रहेगी। पौष्टिकता से भरपूर यह लड्डू है और आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करके रखेगा, आपको इंटरनल हेल्थ बॉडी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पहुँचाएगा। चलिए मैं आपको इसके इंग्रीडियंट बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बाजरा लेना है, आप बाजरा रेडीमेड भी ले सकते हैं या पिसवा भी सकते हैं। देन सेकंड आपको लेना है फ्रेंड्स गुड़। आप गुड़ जरूर ले लीजिएगा, अपनी मिठास अपने हिसाब से रखिएगा गुड़ की। और मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, काजू, बादाम, और ये मैं छोटी इलायची ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी, ये देसी घी है, आप ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपने पसंद का ले सकते हैं। फिर मैं गैस ऑन कर दिया है मैंने, उसमें मैंने पैन को गर्म करने को रख दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी, और ये मेरे घर का बना हुआ देसी घी है। मैं डाल रही हूँ इसमें देसी घी, और आप देसी घी थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप इसमें बाजरा के आटे को डाल के इसको अच्छे से आपको भूनना है फ्रेंड्स। इसको कम फ्लेम में रखना है, कभी कभी हाई कभी फ्लेम करके इसको आपको अच्छे से पूरा गुलाबी होने तक आटे को अच्छे से बिल्कुल भून लेना है, जब तक इसके गुलाबी कलर ना आ जाए, बिल्कुल सौंदा सौंदा जैसे खुशबू आने लगती है तब तक आपको अच्छे से भुनना। देखिए मेरे बाजरे के आटे बहुत ही बेहतरीन तरीके से भुन चुके हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल गुलाबी हो चुका है। बहुत अच्छी पूरी किचन में खुशबू भी इसकी फैल चुकी है बाजरे के आटे की। अब मैं फिर से उसी पैन को रखूँगी और गर्म करके हल्का सा मैं गुड़ डाल दूँगी। गुड़ डालने के बाद में अब इसमें आपको इसमें डालना है पानी। पानी बिल्कुल कम रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पानी ज़्यादा रखने से वो पतला हो जाएगी चाशनी। लेकिन चाशनी इसमें एक बात के ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल एक तार की चाशनी बनानी है, बहुत हार्ड चाशनी नहीं बनानी है, वरना आपके लड्डू बहुत कड़े हो जाएंगे, फिर आप इसको खा नहीं पाएंगे। तो इसको भी तेज़ आँच पर कम आँच करके अच्छे से पूरे चाशनी को, गुड़ को पिघलने तक आप इसको पकाइएगा और अच्छे से इसको पूरा चाशनी को बनाइएगा फ्रेंड्स। देखिए मेरी चाशनी यहाँ पूरा अच्छे से पक चुकी है, गुड़ पूरा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, गुड़ और चाशनी भी बहुत अच्छे से बन चुकी है। ये देखिए अच्छे से इसमें उबाल आने शुरू हो चुके हैं, मेरी चाशनी बहुत बेहतरीन तरीके से बन गई है। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, अगर चाशनी आपको समझ में नहीं आता कितना रखना है, तो एक कटोरी में पानी रखिएगा और इस पानी में उस चाशनी को, गुड़ को डाल दीजिएगा। देखिए जब वो गोल गोल होने लगता है ना, तो आप समझ जाइएगा चाशनी आपकी बेहतरीन बनी है। लड्डू बनाने के लिए बहुत अच्छी चाशनी बनी है। आप इस चाशनी से लाई के तिल के कोई भी डाल करके बना सकते हैं। तो अब मैं देखिए इसी में गैस को मैंने बंद कर दिया, मैं छोटी इलायची कूटी हुई और ड्राई फ्रूट्स को मैं डाल दूँगी और अच्छे से इसको उसमें मिक्स कर दूंगी, ताकि अच्छे से पूरा वो चाशनी में पूरा अच्छे से मिक्स हो जाए वो। तो इस तरह से आप अपने चाशनी को उसमें ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आपको अच्छे अच्छे से इसको तो ठंडा करना है, इसको चलाते रहना है। देखिए चाशनी मेरी बहुत अच्छी परफेक्ट बनी है। अब मैं बाजरे के आटे में अपनी चाशनी को डाल दूंगी, चाशनी अच्छे से इसमें पूरा आपको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। अपना जितना भी मैंने चाशनी बनाई है धीरे धीरे करके आप उसमें डालते जाइएगा और आटे को भी चलाते जाइएगा, ताकि अच्छे से वो पूरा मिक्स हो जाए। देखिए मैंने चाशनी बाजरे के आटे में डाल दिया है और ये अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि लड्डू बहुत अच्छे से बन जाएगी। और ये देखिए, और ये 2 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही इसको बनाना है। तो अच्छे से मैं क्या कर रही हूँ, चाशनी देखिए मेरी अच्छे से पूरी मिक्स हो चुकी है, गुड़ और चाशनी आटे में अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं हाथ में अपने पानी लगाऊँगी, पानी लगाने के बाद में ही लड्डू अच्छे से परफेक्ट बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। तो ये देखिए मैं लड्डू हाथों में पानी लगा के इसको गोल गोल शेप में बनाए, देखिए कितना अच्छा बेहतरीन लड्डू बना है। इस तरह से आप जब मन करेगा ना फ्रेंड्स, आप लड्डू ज़रूर बना के खाइएगा विंटर में। और आपके देखिए इंटरनल के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बाजरा बहुत अच्छा होता है विंटर में, आपके शरीर में गर्माहट जैसे देने के लिए ना बहुत बेहतरीन ये है। आप इसमें इस जगह पर मेथी भी डाल सकते हैं या तिल भी डाल सकते हैं, इस तरह से डाल के आप अपने लड्डू बना सकते। देखिए मैं लड्डू बना के मैं दिखा रही हूँ, कितने अच्छे दिखे मैं लड्डू बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम, क्या बताऊँ मैं, बिल्कुल स्पंजी, क्या होल, बहुत अच्छे लड्डू बनाए। एक बार ज़रूर लड्डू बना के खाइएगा फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन लड्डू। देखिए बहुत अच्छे से मैं लड्डू मैं बना चुकी हूँ, लड्डू मेरे बन चुके हैं। अब मैं इनको स्टोर करके रख दूँगी कंटेनर में। देखिए कितने अच्छे से लड्डू
हाथ से फूट भी जा रहे हैं। आप बहुत सॉफ्ट मेरे लड्डू बने थे ये देखिए, और आप इस तरह से लड्डू बना के खाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, और इन विंटर्स में सर्दियों का मज़ा लीजिए। बाजरे के लड्डू खा करके अपने शरीर में गर्माहट बनाए रखिएगा। मैं बोल रही थी फ्रेंड्स, मेथी ज़रूर डाल दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फर्स्ट टाइम आया है, बेल आइकन को प्रेस करके लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।